हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट कमिटीज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन री इलेक्टेड टू सर्व ऑन द एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस एट द यूएन फॉर द टर्म ऑफ 2024-26। एडवाइजरी कमिटी में किसे री इलेक्ट किया गया है यूएन में 2024 से लेके 2026 तक के टर्म के लिए? तो ये किया गया है सुरेंद्र अधाना को। और एक चीज नोट कीजिएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट बन गया है प्रेस्टीजियस 18 मेंबर स्टीयरिंग कमिटी का। इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी एक पार्ट बन गया है 18 मेंबर कमिटी का। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म्स एडहॉक कमिटी टू गवर्न सस्पेंडेड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। हु विल बी द हेड ऑफ दिस कमिटी? जो सस्पेंडेड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी गवर्न करने के लिए एक एडहॉक कमिटी बनी थी, तो उसके हेड कौन बने हैं ये पूछा है। तो ये बने हैं भूपेंद्र सिंह बाजवा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी फॉर्म टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमिटी बनाई है, तो उसके चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं रामनाथ कोविंद जी। अब वन नेशन वन इलेक्शन ये कंसेप्ट का एम क्या है? इसका एम ये है कि जितने भी इलेक्शंस होंगे लोकसभा के या सारे स्टेट असेंबलीज के जितने भी इलेक्शंस होते हैं उन्हें सबको सिंक्रनाइज कर दें और एक ही इलेक्शन हो कंट्री में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी फॉर्म्ड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीडिफाइनिंग रोल ऑफ DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रीस्ट्रक्चरिंग और रीडिफाइनिंग करना है, तो उसके लिए कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने, तो उसके चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं के विजय राघवन। अब ये DRDO को क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है उसे बढ़ा सके, टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, इसलिए ये चीज़ें की जा रही हैं। अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक कमिटी बनाई थी जिसमें वो क्या प्रमोट करेंगे, वो प्रमोट करेंगे जेंडर इक्वालिटी विद इन नेशंस एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए DGCA ने एक कमिटी बनाई थी। अब इस कमिटी का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी एक्शनेबल मेजर्स होंगे DGCA उसे इम्प्लीमेंट करेगा और फॉस्टर करेगा जेंडर इक्वालिटी को एविएशन सेक्टर, मतलब एविएशन सेक्टर में जेंडर इक्वालिटी को वो लोग प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए ये कमेटी बनाई गई है। अब इस कमेटी में कौन कौन शामिल है वो देखते हैं। वो है सुरविता सक्सेना, RP कश्यप, पवन मालविया और कविता सिंह, ये चार चार कमेटी में शामिल है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी फॉर्म बाय द सुप्रीम कोर्ट टू ओवरसी रिलीफ इन मणिपुर? रिसेंटली मणिपुर में कुछ वायलेंस हुआ था, तो उसके रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई थी। उस कमिटी की चेयरमैन कौन थी? वो थी गीता मित्तल थी। ये थ्री वुमेन मेंबर कमिटी थी, तो उसमें लीड किया था गीता मित्तल ने, और ये ऑल वुमेन कमिटी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, इन्होंने अनाउंस किया था कि ये ऑल वुमेन कमिटी होगी जिसमें जो भी वायलेंस स्ट्रिकन रीजन है मणिपुर में उसके रिलीफ के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। हु विल बी द हेड ऑफ द कमिटी फॉर्म बाय द सेंटर टू सजेस्ट रिफॉर्म्स टू आर्बिट्रेशन लॉ? गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई है जो कि आर्बिट्रेशन लॉ, ये लॉ है ना आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, इसमें कुछ भी रिफॉर्म चाहिए तो उसके लिए कमेटी बनाई है। तो वो उसके चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं TK विश्वनाथन इस कमेटी के चेयरमैन। अब ये कमेटी का ऑब्जेक्ट ये रहेगा कि ये थरोली एग्जामिन करेगी एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, इसके जो भी फंक्शंस हैं उसे एग्जामिन करेगी और जो भी कमियां होगी उसे बताएगी। जैसे कि कोई फाउंडेशन रखा जाना है, कि एनालिसिस करेगी कि कोई भी फाउंडेशन होगा ड्राफ्टिंग प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स होने वाले हैं तो उसका फाउंडेशन बेस क्या होगा, और अगर उसमें कुछ रिकमेंडेशन करना है तो वो भी कमेटी गवर्नमेंट को बताएगी। हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द एडवाइजरी कमिटी टू द प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज?
किसे एडवाइजरी कमिटी में शामिल कर लिया गया है जो प्रेसिडेंट ऑफ COP28 है, उनके एडवाइजरी कमिटी में किसे शामिल किया गया है ये पूछा गया है। तो ये किया गया है मुकेश अंबानी को। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी फॉर्म बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टू ओवरसी चीता प्रोजेक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर में एक चीता प्रोजेक्ट था जो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का था। तो उन्होंने एक कमिटी बनाई है। कमिटी के चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं राजेश गोपाल। अब ये कमेटी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि जो चीता ट्रांसलोकेट किए गए थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, तो उस कारण 2 महीने के अंदर 6 चीता की डेथ हो गई थी। तो उसे चेक करने के लिए, उसे रिव्यू करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। कुछ और कमेटीज बनी है तो वो देखते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर ने ग्रीवियंस अपेलेट कमेटी लॉन्च की है जो कि सोशल मीडिया यूजर्स के कंसर्न के लिए होगी रिगार्डिंग कंटेंट और कोई अदर इश्यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए ये कमिटीज बनाई गई हैं। ये कमिटी वर्चुअल होगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगी और ये ऑनलाइन होगी, पूरी डिजिटली होगी। इसका जो भी प्रोसेस होगा, अपील प्रोसेस, फाइलिंग प्रोसेस, जो भी होगा सब कुछ डिजिटल होगा। एक कमिटी बनी है हाल ही में तो उन मॉनिटर दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स एम्बिशन मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम। कर्मयोगी जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट के सही से हो रहा है कि नहीं, उसे मॉनिटर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। तो उसके हेड किसे बनाया है? कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा बने हैं। और ये ट्रेनिंग मिशन कर्मयोगी क्या होती है? ये जो भी कॉम्पिटेंट सिविल सर्विसेज में जो भी ऑफिसर्स होते हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इसलिए ये चीजें की गई है, मिशन कर्मयोगी लेके आया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमिटी बनाई है, हाई पावर कमिटी, जो क्या एड्रेस करेगी? लद्दाख का कल्चर, लैंग्वेज, लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ की, उसे प्रोटेक्ट करेगी। उससे रिलेटेड जो भी प्रोटेक्शन है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक हाई लेवल कमिटी बनाई गई है। और इसके चेयरमैन कौन होंगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय, ये है इनके कमिटी के चेयरमैन। हु हैज बीन अपॉइंटेड इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी फॉर्म बाय गवर्नमेंट टू एनहेंस पेंशन बेनिफिट्स। पेंशन बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई है, उस कमेटी के चेयरमैन कौन है ये पूछा गया है। तो वो है टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये कमेटी बनाई है पेंशन बेनिफिट्स के लिए, पेंशन बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए, लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की होगी और ये अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम होगी। IRDAI has formed a standing committee on cyber security. Who will head this committee? IRDAI ने साइबर सिक्योरिटी के लिए एक कमेटी बनाई है, तो उस कमेटी के हेड कौन है वो पूछा गया है। तो वो है PS जगन्नाथम। अब IRDAI ने ये कमेटी इसलिए बनाई है जिसके लिए वो साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर थ्रेड्स जो भी होंगे उसे रेगुलेट कर सके, जो भी एग्जिस्टिंग या आने वाली टेक्नोलॉजीज है उससे रिलेटेड जो भी साइबर थ्रेड होंगे तो वो कमेटी उन पे उसको रेगुलेट कर सके। और कमेटी का एम ये रहेगा कि इंश्योरेंस कंपनीज को अच्छे से प्रिपेयर करना है जो भी साइबर थ्रेट्स आएंगे उसके उसके लिए। IRDAI के चेयरपर्सन है देबशीष पांडा। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मैंने सारे इंपॉर्टेंट कमिटीज कर ली हैं 2023 की। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।